हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में करणी का गुड़ा करना सीखेंगे। तो करणी का गुड़ा कैसे किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक प्रश्न लिए हैं जिसमें लिखा गया है कि करणी में दो, गुड़े करणी में तीन, गुड़े करणी में पाँच। अब इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम लिख सकते हैं करणी लगा करके, इस तरह इसको लिख देंगे, हो जाए कितना, दो गुड़े तीन गुड़े पाँच। इसके बाद इसका जो मान आएगा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो तीन छः, छः पच्चे तीस, इस तरह से इसका मान हो जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न एक है, इसमें देखिए इसमें लिए हैं कि करणी में दो और करणी के बाहर तीन है, और इसमें देखिए दो करणी में तीन है और यहाँ पर करणी में पाँच है। देखिए इसका हम कैसे गुणा करेंगे, तो इसके लिए देखिए करणी का गुणा करणी में करेंगे और जो संख्या करणी के बाहर है उसका हम करणी के बाहर करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा तीन गुणे, इसको लिख दें दो और गुणे, इसको लिख देंगे, हो गया करणी में दो गुणे करणी में तीन और गुणे करणी में पाँच हो गया। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, तीन दूना छः हो गया, और इसको सीधे करणी में गुणा कर दें, कितना हो गया है, दो गुणे तीन गुणे पाँच, ये बराबर आ जाएगा छः करणी में तीस हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जिसमें देख रहे हैं कि तीन धन करणी में दो और तीन माइनस करणी में दो है, तो इसका हम गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे तीन, इसके बाद लिखेंगे तीन माइनस करणी में दो, देखिए प्लस है प्लस लिखेंगे करणी में दो, फिर इस तरह से हो गया तीन माइनस करणी में दो। तो देखिए हो गया कितना, तीन का गुणा तीन में कितना हो जाएगा, ये तीन त्रिका नौ हो जाएगा। यहाँ देखिए तीन का गुणा करणी में दो करेंगे तो इसको लिखेंगे तीन करणी में दो, प्लस देखिए इसका गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे तीन करणी में दो, और ये हो जाएगा माइनस करणी में दो गुणे करणी में दो, तो हो जाएगा करणी में चार। हम जानते हैं कि करणी में चार का मान कितना होता है, करणी में चार का मान होता है दो, तो ये दो और ये नौ कितना हो जाएगा, आ जाएगा सात। और देखिए यहाँ पर एक करणी ऋण है और एक धन है, तो यहाँ पर सात माइनस जीरो, तो इसका आंसर आ गया सात। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिए हम इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, देखिए इसमें लिखा गया है दो करणी में तीन, तो इसी तरह आप इसको भी हल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सेम सवाल यही है, अगर आपको फार्मूला याद रहे तो आप फार्मूला कर सकते हैं। वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो देख रहे हैं इसमें एक में लिखा गया है, एक में देखिए माइनस है और एक में प्लस है, और राशियां दो सब समान ऐसे हैं, तो एक स्थान पर कितना हो जाएगा, एक स्थान पर हो जाएगा दो करणी में तीन, और तब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लिख सकते हैं। फिर देखिए बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा कितना, करणी में पाँच। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं, तो एक में हो जाएगा दो करणी में तीन का वर्ग और एक हो जाएगा माइनस करणी में पाँच का वर्ग। तो इसको करें कितना जाएगा, दो दूनी चार, चार किया बारह हो गया, और ये हो जाएगा पाँच, बारह से पाँच घटा देंगे आ जाएगा सात। तो इस तरह से आप बड़े सरल ढंग से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी तरह देखिए लिखा गया है कि तीन रूट फाइव प्लस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर है, अगर आप चाहें तो गुणा कर लें, नहीं तो अगर आपको फार्मूले याद रहे तो फार्मूले देखिए इसको हम फार्मूले कर सकते हैं। जैसे लिखे रहे कि ए प्लस बी बराबर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूले से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं
यहाँ लिखेंगे 3 करणी 5 का होल स्क्वायर, फिर देख रहे हैं 2 AB, तो 2 गुणे AB, ये भी मैंने हो गया 3 करणी 5 और गुणे हो गया 2 करणी में 3, और प्लस बी की स्क्वायर के स्थान पर हो गया 2 करणी में 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये 3 3 9 5 45 हो जाएगा। ये देखिए 2 3 6 6 2 12 करणी में हो जाएगा, 5 3 15, और देखिए 2 2 4 3 12 हो गया, तो 12 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 45 जोड़ेंगे आ जाएगा 5 2 7, 5 57 आ गया, 57 + 12 करणी में 15, इस तरह से आपका आंसर आ गया 57 + 12 करणी में 15। इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, अगर वर्गांतर के फार्मूले करें तो वर्गांतर के फार्मूले भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 में लिख देंगे कितना, ये हो जाएगा 7 करणी में 3 का वर्ग, क्योंकि देख रहे हैं 1 में धन है और 1 में ऋण है, तो ए हो गया, बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो हो गया 7 करणी 3 होल स्क्वायर माइनस ए हो गया 3 करणी में 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 7 7 49, 49 × 3 तो हो जाएगा 49 × 3 लिख सकते हैं, और इसको देखिए 3 3 9 × 5 तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हो गया 3 9 27, 3 4 12 2 14 147, और ये हो गया 100, ये हो गया 9 5 45, तो 9 5 45 और घटा दें कितना जाएगा, आ जाएगा 102। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच।